मंदिर में हो रही लड़कियों के साथ छेड़छाड़, प्रशासन चुप बैठा है राजनीति के दबाव में। लोक कंदौली क्षेत्र के सीवी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में डिप्टी सीएम के जाने के बाद विजेंद्र सिंह की पुत्री बाथरूम गई थी, तभी रवि पुत्र हरिशंकर जो विद्यालय प्रबंधक कार्य किशोरी के साथ अश्लीलता की हरकत करने लगा और उसका मुंह दबाकर कमरे में खींचने लगा। तभी कल्पना ने रोते हुए आकर अपने बाबा को बताया तो उसके परिवार वाले कमरे की ओर गए। तभी रवि किशोरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, यह देख विजेंद्र ने शोर मचाया। शोर पर मनीष कुमार, प्रशांत कुमार, शेषपाल, अमित व अन्य व्यक्ति आ गए, जिनको देखकर रवि हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। उसके बाद विजेंद्र ने कंदौली में उसके खिलाफ तहरीर दी। वहीं सत्ता के दबाव में आकर पीड़िता के बाबा विजेंद्र, जिनकी उम्र 70 साल है, उस पर ही उल्टा 384 का मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। वहीं किशोरी पीड़िता की माँ हेमलता ने कंदौली थाने में अपनी बेटी के न्याय के लिए गिड़गिड़ा रही है, लेकिन खाकी पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मौके पर कई थानों के फोर्स के साथ सपरा, देहात, सीओ अजमेरा, सीओ सत्ता, सीओ एतमाद पर हर इंसान की जुबान पर एक ही चीज रटी हुई है। जब सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए तो फिर बेटियों के लिए कोई सुरक्षा क्यों नहीं की? महिलाओं ने थाना कंदौली का घेराव किया। थाना कंदौली पर जनता में दिखा जोश, क्षेत्र के प्रधान सहित करीब 500 लोग रहे मौजूद। थाना कंदौली पर 6 घंटे हुआ हंगामा, पीड़ित पक्ष की नहीं हुई सुनवाई, बुजुर्ग महिलाओं के साथ किया थाने का घेराव। क्या क्या घटना हुई है? अरे मेरी बेटी के संग मतमी जी करी है। किसने किसने की है? बहने लोटा भर दे मालिक ने, स्कूल के ने। क्या बच्ची बच्ची कहाँ पढ़ती है, क्या करने गई थी बच्ची? तो दूसरे स्कूल में पढ़ती, मैं प्रोग्राम देख भी आई। अच्छा, क्या घटना हुई? हो रहे हो हमें, क्या घटना हुई? अरे मेरी बेटी टॉयलेट में गई, मैं बदतमीजी जा करी है मैंने। फिर क्या पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? बेटी नल्ला करे हो, फिर मार सब बाबा फावा के सब मई आ गए हो, कछु फोन कर दे हो, मैंने मार दा, फिर बा मारे हो पीटे हो। क्या पुलिस प्रशासन में आपने कोई मांग की है? अरे मांग करिए ना, सुनो कोई ना सुनो, कल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ ना सुन रहे, कुछ ना सुन रहे। आपकी FIR दर्ज हुई है? बिल्कुल ना सुन रहे, सुनी ना रहे, करी ना रहे, करी ना लही ना रहे, कल ही दाल दे रहे हमें तो। अच्छा, FIR दर्ज नहीं की गई तो आप क्या? क्यों ना सुनी, धक्का मार के भगा दिया है। FIR दर्ज नहीं की गई तो आप आगे क्या प्रक्रिया करोगे? आगे प्रक्रिया देख रही है, इंसाफ चाहिए। और मेरे ससुर ने यहाँ बुलाओ भैया, जेल को बेचो भेजे, इंसाफ चुना दिलवायो, बुचो दुश्मन वो चुना भेजो, वो भेजे बा भेजो जेल। अपनी बहन के संग में पहली बार गए स्कूल में। कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल? सीवी इंटरनेशनल स्कूल। तो मेरी बहन तो बान बाहर से भगा दी, अंदर घुस आयो मेरे संग जबरदस्ती करवे लगो फिर। अच्छा, आपने थाने में तहरीर दी है? अब थाने में आयो किस कारण आयो? रिपोर्ट करवे कि मेरी बावन नहीं लेगी। यानी आपके साथ बदतमीजी की और आपके बाबा को पकड़ ले गई? हाँ, मैंने अपनी घरवाली ने बताई तो उन्होंने मारपीट करी ना, देखिए मार भी बावन नहीं ले गई। सब क्या चाहते हो आप प्रशासन से? क्या चाहते हो माने? प्रशासन से क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बाबा छोड़ो, बाकी नाम रिपोर्ट करो, बाय करो मामी। आप कंदौली थाने पे आए हो और जो इतनी भीड़ इकट्ठी, क्या मामला है? मामला ये कल हम एनुअल फंक्शन हो रहा था जी, एनुअल फंक्शन मंत्री जी आए थे, निकल गए उसके बाद में, तो लड़कियां घूमने निकल जाती हैं, कोई टॉयलेट के लिए लड़कियां गई, जैसे वहाँ गई तो कोई नरेंद्र रवि नाम का, उनके प्रबंधक सामने के हरिशंकर जी के बेटे हैं, उनसे बदतमीजी खींचने की कोशिश की, इसलिए कि दूसरी लड़की साथ में थी, दूसरी चिल्ला के बाहर भागे तो देखा तो वापस आ गई घर पर, उसने फ़ोन किया, घर से बच्चे आ गए, उन्होंने कुछ कहा तो उसे अभद्रता की, जब हमारी बहन बेटी में कोई हाथ उठाए बत्ती छेड़खानी करेगा, तो वहाँ दोनों तरफ से झगड़ा हो गया। किस जगह की घटना है? सीवी इंटरनेशनल स्कूल की है। अच्छा, जो हाईवे के पास में है। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई ये की जा रही है कि हम जो लड़की पक्ष है, हम पक्ष जो पीड़ित पक्ष है लड़की को, उनकी FIR नहीं ली, और उनको FIR ली और उनकी तरफ से GD पे चढ़ा दिया गया, और जबकि लड़की के साथ हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुँची, लड़की की आज कल लड़की बात चली, हमने लड़की को ओपन भी नहीं किया,
कोई बात आ रही है तो बदतमीजी हो गई, सम्मान सम्मान ठेस पहुँची। लड़की हालत है ऐसी है कि कोमा जैसे हो गई है, कभी कुछ वैसी डर रही है, उसे धमकी भी दी गई है, मतलब बताया गया तो आपको जान से मार देंगे जी। जो अच्छा। लड़की के साथ जो बदतमीजी की थी कहाँ के लोग थे आपके? सी बी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक हैं, जो मालिक हैं इसके, उनके लड़के रवि हैं। उनके साथ कितनी लोग थे? कितने लोग थे अनुमान लगाया जा रहा है उनके साथ में, या अकेले में थे वो लोग? ऐसा है, लड़की टॉयलेट करने गई तो वो लड़का अकेला था, बाद में जब आए उसने बताया तो सभी लड़कों ने, प्रबंधक ने, जितना पूरा कुछ स्टाफ में भी थे, उन्होंने बदतमीजी की, मारपीट की। जब इन्होंने कहा ये क्या करे, तो जब जोश आया तो बदतमीजी, जब लड़ाई हुई तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन यहाँ थाने में तहरीर देने के लिए आए तो केवल उनकी पक्ष की, जो आर एस एस के विभागाध्यक्ष जी, उन्होंने दिल्ली से नीचे तक पहुँचने ही है उनकी, तो सत्ता हनक में यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी मान सम्मान ठेस पहुँची। और अगर ये नहीं मानेंगे आप, पीड़ा देख रहे हैं आप महिलाओं को, हमारी बहन बेटियाँ माताएँ बैठी हैं, उनके बयान लीजिए कितनी पीड़ा है। इन्होंने लगाइए उनको पकड़ के, एक बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग को पकड़ के ले, उन पर लूट लिखाई जा रही है। 354 हमारी बननी चाहिए, तो उनके ऊपर मैंने देखा है अभी 354 उनके ऊपर बन गई है, कितनी विडम्बना है, इस कानूनी व्यवस्था कैसी है, बड़ा दुख हो जाए। मैं भी बीजेपी बिलोंग करता हूँ।